हेलो एंड वेलकम इन इजी एग्जाम गुरु। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूजीसी नेट 2024। और आज हम आपको जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों ही महीने के बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज बताने वाले हैं। चलिए तो जानते हैं कि इन तीनों महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप इजी एग्जाम गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पेपर वन और पेपर टू दोनों की तैयारी आपको करा रहे हैं। पेपर टू है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन। दरअसल आपको बता दें कि पेपर वन और टू दोनों में ही कई बार इंपॉर्टेंट डेज पूछे गए हैं। चाहे बात कर लें आप दिसंबर वाले पेपर की या उससे पहले जून वाले पेपर की, तो डेज और थीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और खास करके पेपर से पहले वाले महीनों की, यानी कि आपको हम जनवरी, फरवरी और मार्च की बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं सबसे पहले मार्च की। मार्च में 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जिसकी जो थीम है वो रही थी इंस्पायर इंक्लूजन। 15 मार्च को मनाया गया था वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, और इस बार जो थीम है वो रही थी फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, और इस बार की जो थीम है वो रही थी लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस। साथ ही आप यहीं पर याद रखिए कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे। अब आ जाते हैं फरवरी में। ऐसा नहीं है कि मार्च में यही तीन डेज थे, लेकिन आपको बता दें कि हम केवल और केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो भी यूजीसी नेट से जो भी पूछे जा सकते हैं वही आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं फरवरी में। फरवरी में पहला दिन मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में, और इस बार जो थीम है वो रही थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन बीइंग। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया था, और इस बार की जो थीम है वो रही थी क्लोज द केयर गैप। अब बात करते हैं 8 फरवरी की। 8 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया गया था, और इस बार की जो थीम है वो रही थी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। आपको याद रखना है नेशनल वुमेन डे 13 फरवरी को, और जो इसकी बार की थीम है वो रही थी माइलस्टोन ऑन माय एपिलेप्सी जर्नी। अब बात करते हैं 13 फरवरी में वर्ल्ड रेडियो डे भी मनाया जाता है, और इस बार की जो थीम है वो रही थी रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग। आपको ये जरूर याद रखना है कि 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है, क्योंकि पेपर टू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको टेलीविजन डे, रेडियो डे, न्यूज़पेपर डे मालूम होना चाहिए। 21 फरवरी की यदि हम बात करें तो इस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इस बार की जो थीम है वो रही थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इन द पिलर ऑफ इंटर जनरेशन लर्निंग। 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे, और इस बार की जो थीम है वो रही थी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, और इस बार की जो थीम है वो रही थी माय भारत विकसित भारत एट द रेट 2047 बाय द यूथ एंड फॉर द यूथ। ये आपको याद रखना है। 15 जनवरी की यदि हम बात करें तो इंडियन आर्मी डे मनाया गया था, और इस बार की जो थीम है इंडियन आर्मी डे की वो रही थी इन सर्विस ऑफ द नोशन। 16 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल स्टार्टअप डे, और इस बार की जो थीम है वो रही थी सेलिब्रेटिंग 8 ईयर्स ऑफ इनोवेशन। 4 जनवरी की बात करें तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, और इस बार की जो थीम है वो रही थी मेरे विकसित भारत का सपना। आपको याद रखना है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की जो थीम थी वो थी मेरे विकसित भारत का सपना। 24 जनवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल एजुकेशन डे, और इस बार की जो थीम है वो रही थी लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। 25 जनवरी की यदि हम बात करें तो 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है, और इस बार की जो थीम है वो यहाँ पर रही थी सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरी। अब बात करते हैं 25 जनवरी की। 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वाटर्स डे, और इस बार की जो थीम है वो रही थी नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। आपको याद रखना है नेशनल वाटर डे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चुनाव भी चल रहे हैं और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। थीम भी याद रखनी है। 25 जनवरी को नेशनल वाटर डे मनाया जाता है, और वाटर्स डे मनाने की जो थीम इस बार की रही है वो रही है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। तो आपको ये सभी डेज याद रखने हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर में ये पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको और डेज के साथ आपको बताते हैं। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।